हाई एवरीवन, दिस इज अपूर्वा, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मंत्रास और कह सकते हैं स्विच वर्ड के बारे में जो आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगे, स्पेशली इन एजुकेशन। अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप फिर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी है रिलेटेड टू एजुकेशन स्टडी, फिर पढ़ने से रिलेटेड है, ये जो तीन स्विच वर्ड हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्पेशली एक वन वर्ड का स्विच वर्ड भी या फिर कह सकते हैं मंत्रा भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करेगा, फोकस को इंक्रीज करेगा, साथ में आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, ठीक है। आपकी पढ़ाई में सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा, अच्छे मार्क्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये तीन स्विच वर्ड ऐसे हैं, आप इन्हें तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर यू नो आप इनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। बट ये तीनों आपको आपकी एजुकेशन में हेल्प करेंगे, स्पेशली अगर आप उनमें से जो यू नो औरों से आगे निकलना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आप इसे तब भी यूज कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी, आपको चलिए शेयर करती हूँ स्विच वर्ड। सबसे पहला जो हमारा स्विच वर्ड है वो ये है एम। ये मैंने पहले भी बताया है बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही पावरफुल स्विच मंत्रा है, स्विच वर्ड है। एम एक तरीके से स्विच वर्ड में भी काउंट होता है एंड एम माँ सरस्वती का बीज मंत्रा भी है। तो ये एक ऐसा शब्द है जो आपको जो भी आपको यू नो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, नर्वसनेस होती है, फोकस नहीं कर पाते हैं, मेमोरी पावर इश्यूज है, कुछ भी है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आप पढ़ाई करते हो, आप कोशिश करते हो बट आपको टॉपिक्स इजीली समझ नहीं आते हैं, इन दैट केस एज वेल आप इस वन वर्ड मंत्रा को यूज कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना है, आपने डेली इसको 108 टाइम्स चैंट करना है। अगर आप यू नो स्पेसिफिक काउंटिंग इसकी रखना नहीं चाहते हैं, आप डेली सुबह एंड शाम को 5-5 मिनट इसकी चैंटिंग करना शुरू करें। अगर आप इसको प्रॉपर जैसे हम ओम बोलते हैं उसकी गूंज को हम यू नो फोकस में रखते हैं, ऐसे अगर आप यू नो एम ऐसे करके आप इसकी यू नो चैंटिंग करते हैं तो ये बेसिकली आपके फोकस को तो इंक्रीज करेगा, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करेगा, साथ में आपकी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी है उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्विच वर्ड की। ये स्विच वर्ड भी बहुत अमेजिंग है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन। अगर आप औरों से आगे निकलना चाहते हो, सबसे यू नो कि हम टॉपर कैसे बन सकते हैं, कि हम टॉप में कैसे आ सकते हैं, टॉपर कैसे बने, तो ये स्विच वर्ड उनके लिए है जो भी पढ़ाई में औरों से आगे निकलना चाहते हैं या फिर यू नो अपने आप को एज अ टॉपर यू नो देखना चाहते हैं या फिर अपने आप को एज अ टॉपर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये लोग इन स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। अगर बात करें इसे आपने कैसे यूज करना है, आप इसको हर घंटे या फिर हर दो घंटे बाद 28 टाइम्स आप इसे चैंट कर सकते हैं। बेसिकली आप इसको जितना चैंट करेंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। एंड अपने मन में इंटेंशन रखें कि आप टॉपर हैं, आप यू नो कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं कि लोग आपको कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, कंग्रेचुलेशन बोलते हुए आपको बोल रहे हैं कि आप टॉपर हैं, सो जस्ट अपने माइंड में उस चीज को सुने, ठीक है। आप जितना इस थॉट को इस पिक्चर को रिपीट करेंगे अपने माइंड में ही उतनी ही जल्दी आपके लिए काम करेगा। आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आप जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट होकर इसको चैंट करेंगे उतनी जल्दी आपकी विश को फुलफिल करेगा। अब बात कर लेते हैं एक और स्विच वर्ड के बारे में, रीच गोल्ड मेडल डिवाइन। ये बेसिकली इसे कोई भी यूज कर सकता है सक्सेस इन एजुकेशन या फिर किसी भी टाइप की सक्सेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। पहली चीज ये आपके सामने रास्ते खोलेगा, आपकी जो विश है, सपोज करें आप यू नो किसी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, उसकी तरफ आपके रास्ते खोलेगा। हो सकता है आपको एकदम से मोटिवेशन आए, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करें, आपका मन करे और पढ़ने का, फोकस करने का, या फिर जो भी यू नो रिलेटेड टू आप उस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं उस गोल से रिलेटेड, आप उस चीज़ को, आप उस स्टेप को उठाएं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से भी आपके लिए काम करेगा। तो अगर आप यू नो सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इस स्विच वर्ड के साथ भी काम कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक सर्कल बनाएं एक प्लेन वाइट पेपर पे, आप ब्लू कलर का पेन इसमें यूज़ कर सकते हैं, ब्लू या फिर ग्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है, अपनी जो भी आपकी इंटेंशन है, विश है, आपने उसको सोचते सोचते एक सर्कल उसके अंदर ड्रॉ करना है छोटा सा। जब आप इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे अपने माइंड में इंटेंशन रखें कि जैसे कि आपके उतने स्पेसिफिक मार्क्स आ चुके हैं, सर्कल ड्रॉ करना है फोकस के साथ, फोकस करते करते सोचते सोचते, उसके बाद नीचे आपने लिखना है एम, ठीक है। एम आप इसे AIM भी लिख सकते हैं या फिर इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल आप इसे लिख सकते हैं।
आपने लिखना है एम, फिर आपने नेक्स्ट नीचे लिखना है इस स्विच वर्ड को, रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन। अब उसके बाद और नीचे आपने लिखना है रीच गोल्ड मेडल डिवाइन, ठीक है। ये सब आपने सर्कल में ड्रॉ करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर अपनी विश को विजुलाइज करते करते एक और छोटा सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उस छोटे सर्कल के नीचे आपने ये सब लिखना है, ठीक है। एंड इस एनर्जी सर्कल को आप अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, बार बार आपकी जहाँ पे नजर जाती है, आपने इसको वहाँ पे स्टिक कर देना है। आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एनर्जी सर्कल्स आर क्वाइट पावरफुल, अगर उसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिला सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ट्रस्ट एंड आपकी मेहनत भी, आपके एक्शंस भी इसमें जरूरी हैं, आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।